नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, किसी को भी कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, किसी का भी नंबर अपने फोन पे आने ना आए उसको कैसे ब्लॉक करते हैं। आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, यह ब्लॉक आप दो जगह से कर सकते हैं और अनब्लॉक भी करने के लिए बताएंगे आपको। यहाँ पे आप जैसे डायलर पैड खोलेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है। थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक स्कैम कॉल का ऑप्शन आता है। इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कौन सा एड, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के लिए फोन आता है या बहुत सारे कंपनी का फोन आता है कि हाँ रिचार्ज खत्म हो जाए कुछ भी, तो यहाँ से आप ये सब फोन चेक कर सकते हैं आपको किसको किसको ब्लॉक करना है। और अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लॉक इनकमिंग कॉल, यहाँ पे आप इनकमिंग कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो नंबर आपको यहाँ पे कॉल नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी अगर बंदा फोन कर रहा है उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो फोन आपके मोबाइल में नहीं आएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा नंबर, कोई भी नया नंबर ब्लॉक रहेगा, तो इसको आपको ऑफ ही रखना है, इसको आपको ऑफ ही कर रखना है। यहाँ पे डोंट ये वाला ऑन रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्लॉक नंबर पे। जैसे आप ब्लॉक नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक नंबर ब्लॉक कर रखा है। अगर और भी आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाकर ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको अनब्लॉक करना तो थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और यहाँ से डिलीट कर देना तो अनब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आ जाते हैं बैक, जैसे आप बैक जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक कॉल का जितने मतलब जिसको भी आपने ब्लॉक किया हो कितनी बार फोन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से भी आप बैक आ जाना है। अब ये तो हो गया एक सिम का, आप दूसरे सिम पर भी देख सकते हैं कि आपने को किसको किसको ब्लॉक करना है, क्योंकि आपके पास अगर दो सिम है तो दोनों सिम पे आपको अलग अलग दिखेगा। यहाँ से आपको लोग नंबर देख सकते हैं और आपने किसको ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से डायलर पर से। और आपको बता देते हैं यहाँ पे कॉल सेटिंग आप सर्च करेंगे तो हमारे पे यहाँ पे नहीं दिख रहा, हमारे पे डायरेक्ट वहीं दिख रहा है। तो आप वहाँ से यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा वही सेम फीचर मिलेगा, वहां से आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं और किसको किसको आपने ब्लॉक किया वहां से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पे यहां पे नहीं दिख रहा तो हम आपको यहां से नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको बता देते हैं। और कॉल सेटिंग का ऑप्शन हमारे पे यहीं पे दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कॉल सेटिंग का ऑप्शन यहीं पे है, वहां पे नहीं दिया है। यहां पे इस तरह से कुछ, जब वहां पे कॉल सेटिंग जाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपको। यहां से आप नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पे ये ब्लॉक कॉल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा, ब्लॉक कॉल ऑप्शन रहेगा आपको। आप दूसरे सिम का भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए हैं किस तरह से अनब्लॉक करना है किसी को भी। यहाँ से इसे डबल टच थोड़ी देर टच प्रेस करके रखना है और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आपको अनब्लॉक हो जाएगा। और अभी बता देते हैं आपको किसी को अगर ब्लॉक करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप किसी को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे थोड़ी देर उसको क्लिक करके रखना है। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक नंबर ऑप्शन आ गया है ऐड ब्लैक लिस्ट। ऐड ब्लैक लिस्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो नंबर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ऐड ब्लैक लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे फिर से हम चले जाते हैं वही सेटिंग पे, और वहाँ से देख जाने के बाद हम ब्लैक ब्लॉकेड नंबर पे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास वो नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर इसको बाहर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो ब्लैक लिस्ट से हट जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, वंदे मातरम।